CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। चौदह मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी। शोबोट। और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। उदा के नाम पे प्यारे। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। अगर तो मांग ले मुझसे हिम्मत है गर लेने की, ले दे खुदा के नाम पर प्यारे ताकत है गर देने। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। You see, as I told you, they are free. Alma, you're safe. Never fear, my little one. We were more than a match for those cutthroats. फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। इन तीनों में से मेरा कोई भी नाम, मुझे तो सिर्फ दिलावर कहते हैं। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही।
मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। हाँ, देवी जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। मैंने जिस मंत्र की साधना की, उसे ध्यान से सुख में रहिए, दुख में रहिए, जहां भी रहिए प्यार से रहिए। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। अभी तक की जानकारी के अनुसार आलम आरा फिल्म की कोई भी प्रति मौजूद नहीं है। इस फिल्म का पुनर्निर्माण 1956 और 1973 में नानू भाई वकील के निर्देशन में किया गया। इस फिल्म के प्रचार में प्रयोग की गई ये टैगलाइन आज के दौर में भी कितनी सटीक और सार्थक है। All living, breathing, 100% talking। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कलाकार रक्षित और शालिनी सिंह, ध्वनि अंकन शानू मुक्सीम, आभार अजीत होरो,
निर्देशन, ध्वनि संपादन तथा निर्माण विमलेश चौधरी, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।